कांग्रेस पार्टी के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ठाकुर रामलाल ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। ठाकुर रामलाल ने स्वारघाट के समीप कई क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं भी की। ठाकुर रामलाल का मैथी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर स्वागत किया गया। ठाकुर रामलाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास कांग्रेस सरकारों की देन रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक के पास 1,15,00,000 रुपए आते हैं, लेकिन विधायक ने इन्हें कुछ संस्थानों पर ही खर्च किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र लगातार विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यहां पर कई संस्थान खोले और सड़कें बनाई, स्कूलों का निर्माण कराया, इसलिए लोगों का रुझान अब कांग्रेस की तरफ है। वो चेयरमैन रहे, जब पहली बार प्रेम कुमार धूमल साहब की सरकार थी, 10 सालों से वो विधायक है, उनको 1,15,00,000 रुपए सालाना अपने चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। लोग ये पूछते हैं कि 1,15,00,000 रुपए साल का कहां कहां खर्च किया। वो पैसा जो है बंदरबांट में चला गया, पंचायतों को पैसा नहीं दिया, वो अपनी संस्थाओं को दिया, जिसमें से 1,00,000 रुपए दिया, 25,000 रुपए लगा, 75,000 रुपए जेबों में चला गया, और उसमें से जो है ना आज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उस पैसे से लड़ रही है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि सालाना 1,15,00,000 रुपए विधायक ने कहां कहां दिया, किस किस को दिया। मेंबर पार्लियामेंट को भी पूछ रहे हैं, उनको भी 5-6 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, हमारा 50,00,000 रुपए हमारे चुनाव क्षेत्र के हिस्से का सालाना वो कहां जा रहा है, उसके बारे में मेंबर पार्लियामेंट को भी पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, विधायक जो है वो कहते हैं बस सारे के सारे काम बंद हो गए हैं। जो मैंने आपको काम गिनाए हैं, 25 नई DPR हमने बनाई हैं, ये जितने काम यहाँ पे हुए हैं, ये मैं कहूँगा ये विधायक को नज़र नहीं आते, न भारतीय जनता पार्टी वालों को नज़र आते हैं, उनको केवल मात्र एम्स नज़र आ रहा है। वो एम्स अगर मान लो हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय वीरभद्र सिंह बिलासपुर में खोलने का फैसला ना करते, तो मैं कहूँगा प्रेम कुमार धूमल साहब और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी साहब ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सब खुला जब प्रदेश सरकार ने इसको खोलने का फैसला बिलासपुर जिला में किया।